एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक वोटेड टॉपिक था इस चैनल में। द टॉपिक इज़ कि आपको क्या रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। सो ये जनरल रीडिंग है। सो आप में से हर किसी का सिचुएशन भी अलग होगा। सो हो सकता है ये हर एक को रेजोनेट ना करे, बट जितना रेजोनेट करे आप उतना ज़रूर लेना इस रीडिंग से। मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर अभी भी होप रखना चाहिए, ठीक है? सो जितना रेजोनेट करे उतना लेना प्लीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन मेरे बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो पाइल 1 है ये येलो स्टोन। आप नॉर्मली नंबर से चूज़ कर सकते हो, पाइल से चूज़ कर सकते हो, स्टोन से चूज़ कर सकते हो, कुछ भी। दिस इज़ पाइल 2 ग्रीन स्टोन एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3 वाइट स्टोन। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप चूज़ करें। अगर आपको लगे वीडियो को पॉज करके चूज़ करना है आप वो भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 1। सो अगर आपने ये येलो क्रिस्टल चूज़ किया है, येलो स्टोन चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 1 है। सो लेट अस सी के क्या आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। Okay, so we have opportunity and romance. Okay, so I think, let us see, deception, envy, number 7, numbers important ho sakte hai, zaruri nahi hai, love begins number 1, breathe number 29, fifth chakra archangel Gabriel number 39, आई होप आप देख पा रहे हैं, यस, लेट गो, फ्री स्पिरिट नंबर 19, नंबर 13, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। ओके, सो शुड यू वेट और शुड यू लेट दिस गो। फाइल नंबर 1, ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज पाइल 1, पहली बात तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक देर इज़ अ चांस, ठीक है? विद दिस ब्रीद कार्ड आई थिंक यू शुड वेट, बिकॉज आई थिंक आपको पूरा सच नहीं पता है इस सिचुएशन के बारे में या तो इस पर्सन के बारे में। लाइक यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपको जानना बाकी है। मे बी आपका इंट्यूशन कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, या फिर आपको कुछ लाइक आप देख के भी कुछ मे बी अनदेखा कर रहे हो, या फिर देयर इज़ समथिंग जो आपको जानना बाकी है, आपको पूरा सच नहीं पता है। नाउ हर किसी के लिए दिस इज़ नॉट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस कि अगर लाइक आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे या फिर आपके पर्सन आपसे झूठ कह रहे हैं, हर एक के लिए वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मे बी आप यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मे बी वो सच नहीं है। हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे आपके पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, सो आपको और बुरा लग रहा है, सो आप और भी स्टक फील कर रहे हो। सो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो सच में मूव ऑन किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मे बी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो उनका लाइफ बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा यू नो ग्लैमरस है, बहुत अच्छा है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी। ओके, इट कैन बी वाइस वर्सा, लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपसे कुछ कह रहे हैं इसका मतलब हो कि वो सच है। अगर आप अब ये हर एक को रेजोनेट नहीं करेगा किसी के लिए, अगर आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी में हो या फिर यहाँ पे कुछ मे बी आपके पर्सन ने कुछ झूठ कहा है, कुछ डिसेप्शन है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, देन देर इट लाइक अगर आपने कुछ रेड फ्लैग्स देखे हैं आपके पर्सन
आपके साइड से, जैसे कि मानो आपके पर्सन में भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किए इन द पास्ट, मे बी आपके पर्सन आपको हर चीज़ खुल के बोलते नहीं है या सच नहीं बताए एंड आपको किसी और से पता चला, या फिर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कहने की कोशिश कर रहा है. लाइक लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू अपने आँख को, अपने कानों को खुला रखना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ है जो आपको अभी भी जानना बाकी है, ठीक है, या तो इस पर्सन के बारे में, या तो इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में, या तो इस सिचुएशन के बारे में जिसमें आप हो. सो ये जनरल रीडिंग है, सो आपको ये जैसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ वैसे समझना. ओके, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन झूठ बोलते हैं, आपको झूठ बोले हैं या फिर बोल रहे हैं, देन जस्ट लिसन टू इट कि हाँ वो सच है. बट अगर आपको लगता है आपके इंट्यूशन से कि आपके पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं किए हैं, अभी भी वो प्यार करते हैं, आपका सिक्स सेंस बोलता है, आपका गट फीलिंग आपसे ये बोल रहा है कि अभी भी ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ होना बाकी है, देन लिसन टू दैट, ठीक है. सो चीज़ों को ऊपर ऊपर से जज मत करना कि सिंस ये पर्सन बस दिखा रहे हैं कि वो मूव ऑन किए हैं मतलब वो मूव ऑन किए हैं, या फिर ये पर्सन दिखा रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सच कह रहे हैं. सो चीज़ों को ऊपर ऊपर से जज मत करना, हर चीज़ को समझो, हर एक सिचुएशन, हर एक डिटेल को देखो. दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट, हर एक वो डिटेल को देखो, अपने इंट्यूशन के बात सुनो, अपने आँखों को, अपने कानों को खुला रखो, अपने मे बी किसी, अगर आपको हेल्प लेना हो किसी से, अपने किसी फ्रेंड से, किसी क्लोज इंसान से आप हेल्प लो, जो जिससे भी आपको लगे कि कोई आपको हेल्प कर सकता है, कोई आपको सही एडवाइस दे सकता है, टेक हेल्प, डू समथिंग, बट सही जो भी सच है जो आपको पता नहीं है उसको पता लगाओ. व्हाट आई एम गेटिंग इज सी द रियलिटी ऑफ द थिंग, बाहर से ऊपर से देख के चीज़ों को जज करने की कोशिश मत करो कि मुझे ऐसा दिख रहा है मतलब ऐसा ही है, आई एम कन्फर्म. नो, ज़रूरी नहीं है. हर एक सिचुएशन में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको देखो, ठीक है. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक यू आर वेरी डिप्रेस्ड, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा कोस रहे हो अपने आप को कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरा ही दोष था, मैंने ही ऐसा किया, क्यों हुआ, या फिर यू नो यू आर वेरी बिटर, या तो आप किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो, या तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड हो, हमेशा आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी इस पर्सन के बिना, या फिर आप हमेशा पूरा एनर्जी इस पर्सन पे डाल रहे हो कि क्यों हुआ, कैसे होगा, ठीक कैसे होगा, आप पूरा दिन में भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, पूरा दिन आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, या फिर आप ऑब्सेस हो रहे हो, आपका मूड खराब रह रहा है, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू जस्ट वेट, जस्ट वेट, शांति से एक पॉज लो अपनी लाइफ में. ये टाइम एक्शन लेने का नहीं है, पॉइंट नंबर वन. दिस टाइम इज़ टू पॉज द सिचुएशन, शो ग्रैटिट्यूड, शो ग्रेस, जैसा कि आप इस कार्ड में शायद देख सकते हैं, दैट दिस पर्सन इज़ वेरी ये बेसिकली शी इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, शी इज़ जस्ट एन्जॉइंग द मोमेंट. हर एक मोमेंट को एन्जॉय करो अपने लाइफ में. आपके पास जो भी है आज, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, आई थिंक यू आर सराउंडेड विद लव, यू आर सराउंडेड विद लव. आप क्या कर रहे हो, मे बी पाइल नंबर वन, आप इस पर्सन से आपको मे बी अटेंशन अगर नहीं मिल रहा है, आप किसी और चीज़ को अपने लाइफ में अटेंशन नहीं दे रहे हो, जब तक ये पर्सन से मैं बात नहीं कर लूँगी मैं कुछ नहीं करने वाली, या फिर मैं शांति से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से खुल के मिल नहीं पा रही हूँ, मैं हंसी मजाक नहीं कर पा रही हूँ, दिस इज़ नॉट राइट. हर एक चीज़ को प्रायोरिटी बनाओ. ये पर्सन या ये रिलेशनशिप आपके लाइफ का एकमात्र प्रायोरिटी नहीं है, अंडरस्टैंड दैट, लेट दिस गो. अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ये ऐसा ही होता रहेगा, यू विल कीप ऑन फीलिंग स्टक स्टक एंड स्टक. अगर आप इस पर्सन को कंट्रोल करोगे, आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे, अगर आप हमेशा इस सिचुएशन के ऊपर ऑब्सेस रहोगे, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये आप नेगेटिव चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक यू आर मोर पावरफुल देन यू इवन नो. किसी किसी को यहाँ पे मे बी आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हो, ओके.
ट्राई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या फिर प्रेयर्स, समथिंग पॉजिटिव. यू नो आई एम गेटिंग, आई एम सीइंग समबडी लाइटिंग अप अ कैंडल. हो सके तो अगर आप जिसमें भी मानते हो, अपने गॉड में, अपने एंजल्स में, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, जिसमें भी आप मानते हो, आपका जो हायर पावर है, मे बी आप जस्ट एक कैंडल ऑफर करो, एक कैंडल जलाओ, एक दिया जलाओ, जस्ट प्रे, यू विल फील पॉजिटिव. आपको वो फ्रस्ट्रेशन, आपका जो डिप्रेशन है वो चला जाएगा. आई अश्योर यू दैट. फॉर योर पर्सन, आई फील आपके पर्सन एक फ्री स्पिरिटेड इंसान है. या तो द मेन प्रॉब्लम जो आप में, आप दोनों में था, वॉज दैट दिस रिलेशनशिप डिड नॉट ग्राउंड. बहुत सारे लोगों के लिए पाइल नंबर वन, आपका रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हो सकता है कुछ लोगों के लिए था, बट मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. किसी किसी के लिए हो सकता है इस पर्सन का मेन प्रॉब्लम था कि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक थे. ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे. फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन सीरियस नहीं हो पा रहे थे आपकी रिलेशनशिप को लेके, जो आपको बहुत ज़्यादा बक कर रहा था, परेशान कर रहा था. बट आई थिंक अगर ये सिचुएशन था आपका, या फिर आई थिंक अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है ये बोल के कि लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर लाइक ये वो नहीं कर सकते, और वट एवर द सिचुएशन जो भी हुआ, आई थिंक देर इज़ अ टाइम जब दिस थिंग विल चेंज. आई थिंक दिस पर्सन इज स्टार्टिंग टू फील दिस रिलेशनशिप. ये पर्सन वो रिलेशनशिप फील कर पाएंगे या पा रहे हैं. किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं इस प्यार को फील करना, आपको खोने के बाद इनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है. एंड किसी किसी के लिए हो सकता है ये फ्यूचर में होने वाला है. ओके, पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन को लेट गो करें. अगर आप इस सिचुएशन में अपना एनर्जी देते रहेंगे आपके पर्सन ये रियलाइज़ कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. अगर आप एक चीज़ को, अगर आप एक सिचुएशन को, एक पर्सन को अपना सारा एनर्जी दोगे, पूरा दिन सोचोगे, वो पर्सन उस एनर्जी को फील कर पाएंगे कि ये एनर्जी तो मेरे साथ है, लाइक या आई एम विनिंग. बट जैसे ही आप अपना एनर्जी उस पर्सन से ले लोगे वापस, आप किसी और चीज़ में अपना एनर्जी दोगे, उस पर्सन का जो एनर्जी फील्ड है वो खाली हो जाएगा. उस पर्सन को ये फील होगा कि देर इज़ समथिंग मिसिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे, लाइक ओ हाँ, वेर इज़ शी और ही. तब जाके वो उस पर्सन रियलाइज़ कर पाएंगे कि येस, लाइक आई मिस दिस पर्सन, आई मिस माई पर्सन. सो जब तक आप इस पर्सन को एनर्जी देते रहोगे, इस पर्सन को वो रियलाइजेशन नहीं होगा. जब तक आप इस पर्सन के ऊपर ऑब्सेस होते रहोगे, इस पर्सन को वो रियलाइजेशन नहीं होगा. ग्रुप नंबर वन. बट आई थिंक यू शुड वेट, लेट दिस गो. वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचो, आप हर एक डिसीजन इस रिलेशनशिप पे बेस करके लो, आप लाइक ऑब्सेस हो जाओ. नो, इस पर्सन के लिए अपने लाइफ में एक दरवाज़ा खुला रखो एंड गो अबाउट योर डे. अपना काम करो, आपको जो करना अच्छा लगता है वो करो, अपना पैशन, अपना हॉबीज को फॉलो करो, अपना करियर को फॉलो करो, जो करना है करो लाइफ में. दिस विल हैपन. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा फ्रॉम द डिवाइन दिस फॉर दिस रोमांस. दिस विल हैपन. सो डोंट वरी. पाइल नंबर वन, यू शुड वेट, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि वेट करने का मतलब ये नहीं है कि यू नो दैट, कि पूरा एनर्जी आप इस पर्सन को देते रहें. लेट मी गेट सम टैरो कार्ड्स एंड सी. शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन. टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपका बॉटम डेक एनर्जी. यस, सो आपके पर्सन बेसिकली आई थिंक इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है इस एंडिंग को लेके आपके साथ. देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन. आपके पर्सन अभी भी हील नहीं हुए हैं इस सिचुएशन से आपके साथ. ये पर्सन अभी भी हील नहीं हुए. इस पर्सन को अभी भी वो बिटरनेस है इनके एनर्जी फील्ड में. अभी भी उनको ये फीलिंग है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ. अगर कोई झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बारे में वो सोच रहे थे. जो भी प्रॉब्लम था आपके रिलेशनशिप में, उस प्रॉब्लम के बारे में वो सोच रहे. सो इस पर्सन को आपको टाइम देना पड़ेगा टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ.
एक बार जब ये पर्सन अपने आप को हील कर पाएंगे, एक बार जब ये पर्सन अपने आप को एक एक पॉजिटिव माइंडसेट में ला पाएंगे अबाउट द एंटायर सिचुएशन, एक बार जब ये पर्सन इस सिचुएशन को फॉरगिव कर पाएंगे, उसके बाद दिस पर्सन विल फील दिस लव, विल फील दिस अफेक्शन, इमोशन. सो आई थिंक यू शुड गिव योर पर्सन सम टाइम एंड यू शुड लेट दिस गो फॉर नाउ. आप अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करो, अपने करियर में, अपने हॉबीज में, अपने हेल्थ पे, अपने मेंटल फिजिकल वेलबींग पे, अपने फैमिली पे, जहाँ पे भी आपको मन करें. डोंट फील स्टक टू दिस पर्सन, ओके? एंड दिस पर्सन, या यू शुड वेट, बिकॉज आई सी दैट इन द फ्यूचर में जाके देर इज़ अ चांस दैट दिस पर्सन विल कम बैक, ये रिकन्सिलिएशन हो पाएगा और समथिंग, ओके? बिकॉज योर पर्सन इज बेसिकली कन्फ्यूज. सो इस वक्त इस पर्सन को कुछ बोल के, कुछ करके, आई डोंट थिंक बहुत कुछ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका. सो दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग, इज यू शुड वेट. पाइल नंबर वन, वेट करो, यू विल सी योर सक्सेस, ओके? सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो तो. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. हाय, हेलो एंड वेलकम बैक. पाइल नंबर टू. सो जिसने भी ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किए हो, आप मेरे पाइल नंबर टू हैं. सो लेट अस सी, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन. इफ़ यू बिलीव है आपका फर्स्ट कार्ड, इट्स अ नो. फिर भी हम लोग देखेंगे बाकी आगे जाके. मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नंबर वन, poised, magician and the mirrors number 53, sacred journey number 26, compassion number 10, uncovering treasure, beneath the surface lies great bounty. Okay. फाइल नंबर टू, क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के लिए नंबर टू, आप मे बी दिस वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप. नॉट एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं, सम ऑफ यू, ठीक है? दिस वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द सीक्रेट जर्नी. बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप में भी एक एम्पाथ हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा इज़ वेरी गिविंग, आप हमेशा एक लाइक दूसरे लोगों के लिए करते हो. मे बी आप इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा कंपैशन दिखाए हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार दिए हो, अफेक्शन, मे बी फाइनेंस, जो भी, एनर्जी, टाइम, लाइक एवरीथिंग, आपका जितना हो सके आपने किया है इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, सिचुएशन के लिए, जो भी था कनेक्शन. ये नाउ इज़ द टाइम, पाइल नंबर टू, कि आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम अलग से निकाल के सोचो. बिकॉज आई थिंक दैट आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, या फिर आप ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अनइवन था, इम्बैलेंस्ड था. ये रिलेशनशिप कभी भी इतना इजी नहीं था. मे बी आपने बहुत कुछ गो थ्रू किया है, मे बी आपको बहुत पेन मिला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले हैं आपने साथ में. वॉट एवर द सिचुएशन, आई डोंट फील दिस रिलेशनशिप वॉज ईजी. सो स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए लो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आपने कितना किया है एंड आपको बदले में क्या मिला है. बिकॉज आई थिंक पाइल नंबर टू, आप अपना पावर भूल रहे हो, या फिर यू आर गिविंग अवे योर पावर बिकॉज यू आर कंपैशनेट. आप एक कंपैशनेट पर्सन हो, आप हमेशा दूसरों के लिए पहले करते हो, अपने लिए बाद में. आप गिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो, जो आप इतना लाइक इस पर्सन को टाइम, एनर्जी, अफेक्शन दिए हो दैट यू डोंट रियलाइज कि आपके लिए कितना है, अपने लिए कितना है. बिकॉज खुद को प्यार करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से कभी नहीं कर सकते, कोई और भी आपसे नहीं कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर. फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ कार्मिक जर्नी,
दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल जो आप ख़त्म किए हो इस पर्सन के साथ, एंड दिस वॉज मेंट टू बी. खुद को कोसो मत इस सिचुएशन के लिए. दिस वॉज डेस्टिनी, दिस वॉज डेस्टिनी, दिस पर्सन वॉज डेस्टिनी. बट आई थिंक आप जो देख नहीं रहे हो इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बींग हिडन. ओके, मे बी आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा क्या था, ये पूरा कनेक्शन मेरे लिए बुरा था, ये पूरा मेरे लिए पनिशमेंट जैसा था, मैंने ये झेला है, वो झेला है, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ. वॉट यू आर नॉट सीइंग इज आपको क्या मिला है इस कनेक्शन से, वो सोचो. बिकॉज आई थिंक पायल टू देर इज डेफिनेटली समथिंग जो आपने गेन किया है इस कनेक्शन से, देर इज डेफिनेटली अ लेसन जो आपने सीखा है. मे बी आप वो इस टाइम पे रियलाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर सैड, बिकॉज यू आर इमोशनल. बट आई थिंक बहुत सारे लोग में भी कर पा रहे हो, बहुत सारे लोग फ्यूचर में करोगे. देर विल बी अ टाइम वेन यू विल रियलाइज कि ये क्यों हुआ. मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे आप सवाल कर रहे हो कि ये क्यों हुआ, इसमें क्या अच्छा था. बट ट्रस्ट मी, इसमें कुछ अच्छा था. दिस इज अ कनेक्शन दैट ओपन्ड डोर्स फॉर यू पाइल नंबर टू. अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के बिना आप खुश नहीं रहोगे, इट्स अ मिथ. बिकॉज आई थिंक पाइल नंबर टू, आप खुद के पावर को भूल रहे हो कि यू आर पावरफुल. देर इज़ अ लॉट ऑफ इल्यूशंस इन दिस कनेक्शन और दिस सिचुएशन. यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म किए हो आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक कार्मिक साइकिल आप दोनों ने ख़त्म किया है एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज. लाइक बहुत कुछ है अभी भी पाइल टू जो आपसे छुपा हुआ है, बहुत कुछ है जो अभी भी आपको पता नहीं है. अगर आपके मन में कुछ सवाल है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जस्ट इतना याद रखना, जब सही टाइम आएगा आपको सारे जवाब मिल जाएंगे. दैट इज़ व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू. आप इतना ज़्यादा सवाल मत करो, बट एक्सेप्ट करो कि आपको क्या मिला है इस सिचुएशन से. इस वक्त शायद आपको लगे कि आपको कुछ भी नहीं मिला, आप हार गए हो. स्पिरिट्स आर टेलिंग यू नो, आप नहीं हारे हो. क्यों? बिकॉज यहाँ से द प्रॉस्पेरिटी बिगिंस फ्रॉम दिस एंडिंग. अगर ये एंड हुआ है बिकॉज इससे भी अच्छा कुछ होने वाला है. एंड यू नीड टू हैव फेथ, यू हैव टू हैव फेथ, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. पाइल टू, देर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज, देर इज़ अ लॉट ऑफ दिस कैन बी. ये रिलेशनशिप आपके लिए मे बी बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत लॉन्ग टर्म था. मे बी आप इस पर्सन के बचपन से जानते हो इस पर्सन को, या फिर मे बी ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था. मे बी आपको लगता है ये आपका एक सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था. कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था. बट सोलमेट, हर एक सोलमेट भी कार्मिक होता है. एवरीबॉडी इज कार्मिक. वी मीट पीपल फॉर अ रीजन. ओके, आई थिंक यू शुड मूव ऑन पाइल टू. आई थिंक यू शुड मूव ऑन. बट याद रखना, अगर आपको लगता है दिस इज योर पनिशमेंट, ट्रस्ट मी इट इज नॉट. दैट इज व्हाट द स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर कुछ ख़त्म हुआ है, अगर कुछ एंड हुआ है जो मे बी आपके लिए बहुत पेनफुल था, जो मे बी आपके लिए बहुत बुरा था, लाइक ऑब्वियसली, बट स्पिरिट्स आर वॉन्टिंग टू टेल यू कि ये एंडिंग हुआ है. बट यू डोंट रियलाइज कि इस एंडिंग के बाद आपके लिए क्या प्रॉस्पेरिटी वेट कर रहा है, आपके लिए कौन सा सक्सेस वेट कर रहा है. यू डोंट नो. इस टाइम पे आपको वो पता नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे आपको जो पता होना ज़रूरी है आपको उतना ही पता है. देर आर थिंग्स दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू. स्पिरिट्स आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ अ रीज़न. Because of a reason, and you need to have faith. Some of you, you have to work on your throat chakra. Work on your throat chakra. I'll get some tarot for you. I think you should move on because
यू डिड नॉट डिजर्व दिस पाइल नंबर. आप मे भी अपने स्पिरिट गाइड्स को कोस रहे हो कि क्यों हुआ, लाइक क्यों हुआ, ये तो अच्छा चल रहा था, मैं तो खुश था. बट गॉड्स रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन. आई वॉज डूइंग अ रीडिंग टुडे वेर आई गॉट द सेम मैसेज कि अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है यूनिवर्स के तरफ से, अपने गाइड्स के तरफ से, हमेशा ये याद रखना वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए, वो आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं कर रहे, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे इसलिए कर रहे हैं. या फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लेट गो ऑफ दिस पाइल नंबर टू. एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स. मूव ऑन पाइल टू, मूव ऑन, बिकॉज यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ. आप अपना स्ट्रेंथ भूल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग, दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग, इसके इससे अच्छा रिलेशनशिप कभी आपके लाइफ में आया नहीं था, इससे अच्छा पर्सन आपको कभी मिला नहीं था पहले. पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके कभी नहीं मिलेंगे इससे अच्छा कोई, बिकॉज दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम स्पिरिट दैट यू डोंट डिजर्व दिस. एंड ट्रस्ट, देर इज़ अ रीज़न. आपका जो सवाल है उसका आंसर आपको मिलेगा. आप जो इतना पेशेंस लूज कर रहे हो, देर इज़ अ रीज़न ये एंड हुआ, देर इज़ अ रीज़न, देर इज़ अ प्रोटेक्शन. यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड. पाइल टू, अपने पावर को वापस गेन करो. दैट नो दैट यू आर पावरफुल, नो दैट आप ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस. बिकॉज अगर आप ये करते हो, ट्रस्ट मी, you will not even like realize the success that is coming to you. Agar aap is situation mein stuck feel kar rahe ho, maybe you meditate, maybe aap apne aura ko cleanse karo, apne chakras pe kaam karo, work on your throat chakra specially. I can't even speak right now. Yeah, work on your throat chakra please, but move on. Okay, take time. Spirit is telling you take time. Don't try to like move on karna hai matlab kal se main ekdam nahi sochungi. Don't force yourself, because move on karna, let go karna, this is a process. Ye healing ek process hota hai. Healing kabhi time dekh ke nahi hota. Healing kabhi like logically nahi hoga. Give yourself time. Apne aap ko time do, apne aap ko heal karo. You can do this. This is not impossible, pile number 2. Okay, that is what I have for you, pile 2. Agar ye aapko help kiya, please let me know, and please do like, share and subscribe to the channel. Agar aap naye ho to main aapse milungi next reading mein. Till then, take care and all the very best. Hi, hello and welcome back, pile number 3. Agar aapne ye white stone choose kiya hai, aap mere pile 3 hai. So let us see ke aapko wait karna chahiye ya move on karna chahiye. Reconsider. Choose a new direction. Passion ignited, number 1. Patience and planning, number 7. Numbers important ho sakte hai, but zaruri nahi hai. Observer, number 49. The sun, number 1. Integrity, number 17. Emotions, number 12. Navigating by the stars, follow your bliss. Okay, pile 3. The first thing I got was codependency from this pile. Yahan pe maybe kuch log ho, main nahi bolungi har koi, kuch log ho pile number 3 जो को डिपेंडेंट हो इस सिचुएशन पे. या यू आर को डिपेंडेंट इन दिस सिचुएशन. सो अगर आप को डिपेंडेंट हो, इट इज़ टाइम दैट आप वो समझो, बिकॉज को डिपेंडेंसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. एंड बाकी लोग जो मे बी यू आर नॉट को डिपेंडेंट, आई विल टेल यू टू रिकन्सिडर योर फीलिंग्स, टू रिकन्सिडर दैट वेदर दिस इज़ द राइट ऑप्शन. बिकॉज आई थिंक पाइल 3, ये सवाल आपके लिए नहीं है कि क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए. आपका सवाल ये है कि
क्या आपको लगता है ये सिचुएशन आपके लिए सही है? दैट इज योर क्वेश्चन. दैट इज योर क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक पाइल थ्री, यहाँ पे आप कुछ देख के भी नहीं देख रहे हो. मे बी डिसरेस्पेक्ट, मे बी रेड फ्लैग्स, मे बी सम काइंड ऑफ अ बिहेवियर पैटर्न, जैसा कि मैं पहले बोली कोडिपेंडेंसी. मे बी कुछ है जो आप देख रहे हो, आप फिर भी नहीं देख रहे हो, बिकॉज मे बी आप इमोशनल हो, बिकॉज मे बी आप फीलिंग्स में हो अपने, बिकॉज मे बी आप प्यार करते हो अभी भी. बट आपको डेफिनेटली कुछ दिख रहा है पाइल थ्री. मे बी इस पर्सन का बिहेवियर दिख रहा है. मे बी आपको पता है कि लॉजिकली अपने दिमाग से अगर सोचोगे, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, बट आप लॉजिकली सोच नहीं रहे. यू आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली. विद अ पैशन इग्नाइटेड, यू आर पैशनेट. आपको ये पर्सन चाहिए. ये पर्सन मे बी आपको लगता है बहुत गुड लुकिंग है, बहुत लाइक पर्सन के पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए. वो विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, लाइक वाओ. अ लॉट ऑफ इमोशंस इज इन्वेस्टेड इन दिस सिचुएशन पाइल थ्री. आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इन जनरल, या आप इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हो पाइल थ्री. एंड देर इज पैशन, देर इज लव, देर इज इमोशन, एंड दैट इज वाई आपका मे बी यू आर नॉट थिंकिंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव. नेविगेटिंग बाई द स्टार्स मतलब आप मे बी आप एक तरफा सोच रहे हो, इमोशंस के थ्रू सोच रहे हो कि प्यार करते हो मतलब साथ रहना होगा, प्यार करते हो मतलब मुझे वो इंसान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार. इज दिस राइट? आप बताओ, आप बताओ क्या आपको लगता है ये सिचुएशन सही है जिसमें आप हो? क्योंकि यहाँ पे हर एक का सिचुएशन डिफरेंट है, बट देर इज समथिंग. पाइल थ्री, अगर आपने पाइल थ्री चूज किया है, देर इज अ रीजन आपने ये पाइल चूज किया है. एंड अगर आप अभी भी आपको लगता है ये पाइल आपके लिए नहीं है, आप किसी और पाइल चूज कर सकते हो. सो आपका जो आंसर होगा, दैट इज आई विल से 50-50. लाइक यस, दिस पर्सन माइट कम बैक, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इज दिस पर्सन वर्थ इट. अगर ये पर्सन वापस आ गए, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इन द फर्स्ट प्लेस? क्या आप भूल जाओगे कि ये सेपरेशन हुआ क्यों था? बिकॉज आई थिंक देर इज़ अ रीज़न ये सेपरेशन हुआ था. आई थिंक देर वॉज अ रीज़न, और ये जो रीज़न था ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था. ये कोई मामूली सा झगड़ा नहीं था, ये कोई मामूली सा कुछ नहीं था. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. इस पर्सन कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ, कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोगों को, कैसे आपको क्या दिखा रहे हैं. जब आप रिलेशनशिप में थे तब आपको ये पर्सन कैसे ट्रीट करते थे, या क्या बोले थे, या इस पर्सन जो बोलते हैं या फिर इस पर्सन के जो एक्शंस हैं, क्या वो दोनों चीज़ मैच करता है? ये सारे सवाल पूछो अपने आप को, आपका आंसर मिल जाएगा. ये सवाल है आपके इंटीग्रिटी का, बिकॉज आई थिंक आपका दिमाग कहीं पर है, आपका दिल कहीं और है. एंड आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, दिमाग का सोचे या दिल का. अगर आप दिल के साथ जाना चाहते हो, आप जा सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वो आपको हेल्प करेगा पाइल थ्री. अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड से डोंट वेट, डोंट वेट. शायद ये पर्सन आपको बाद में ये पर्सन आपसे रीच आउट करे, आपको मैसेज करे, मे बी रिकनसाइल करने की कोशिश करे इन द फ्यूचर. मे बी हर एक के लिए नहीं करेगा, किसी किसी के लिए, बट आई डोंट सी दैट गोइंग एनी वेयर. अगर आप रिकनसाइल कर भी लेते हो आज इस पर्सन के साथ, आई डोंट सी इट मेकिंग एनी डिफरेंस, टू बी ऑनेस्ट. यू विल बी हैप्पी पाइल थ्री अगर आप इस पर्सन को जाने दोगे, अगर आप अपने दिमाग का सुनोगे. आई थिंक यू विल बी हैप्पी. ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ ये पर्सन. नो, आपको इससे भी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, आप इससे भी
अच्छे रिलेशनशिप्स देख पाओगे अपने लाइफ में, आप इससे भी ज़्यादा खुश रह सकते हो अपने लाइफ में, इस पर्सन के बिना ही क्यों ना रह सकते हो आप खुश, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोबारा सोच लेना, क्योंकि अगर आप वेट करना चाहते हो आप वेट कर सकते हो, पाइल थ्री ये पर्सन आ सकते हैं, बट अगर आप सच में सोचोगे अपने सिचुएशन के बारे में, आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर, आपको ऑलरेडी पता है आपका आंसर क्या है, आपका इंटीग्रिटी, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपको वो आंसर दे देगा। पाइल थ्री मुझसे पूछोगे, आई वुड से अगर आप अभी भी सब कुछ लाइक सैक्रिफाइस करना चाहते हो अपने लाइफ में, लाइक अभी भी अगर आप सैक्रिफाइस करके इस पर्सन को एक चांस देना चाहते हो, इस पर्सन को माफ़ करके, सिचुएशन को माफ़ करके, लाइक यू नो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, आप वेट करो, ये पर्सन आएंगे, शायद आएंगे। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, आप अपने इंटेग्रिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक ऐसे पर्सन को, ऐसे सिचुएशन को अपने लाइफ में जगह नहीं दोगे जो आपको मे बी डिग्रेड करे, जो आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ को पल्यूट करे, आई वुड से यू मूव ऑन। सो ये चॉइस आपका है। एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वाटर, दैट इज़ द टेन ऑफ कप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम डेक एनर्जी है आपका हाई प्रीस्टेस। सो येस, दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर में कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए दिस माइट बी अ मैरिज, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज़ फॉर श्योर कि देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड हियर पाइल थ्री। सो दिस इज़ अ 50-50 आंसर पाइल थ्री। अगर आप चाहते हो इस पर्सन को अभी भी सब कुछ सहने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ आप करने के लिए तैयार हो, वेट करो। बट अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपने बहुत सहा है, आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, दिस पर्सन हैज़ टेस्टेड योर पेशेंस, आप लाइक आप अपना रेस्पेक्ट और नहीं गवा सकते, आई वुड से यू मूव ऑन। चॉइस आपका है, आप किसको चूज़ करोगे। बट किसी भी डायरेक्शन को चूज़ करने से पहले प्लीज़ रिकंसिडर, बिकॉज आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। एंड अगेन, आपको अगर लगता है ये आपका स्टोरी नहीं है, देन किसी और पाइल देख लो, कोई और रीडिंग देख लो। सो थैंक यू सो मच पाइल थ्री, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको हेल्प किया, आपको गाइडेंस मिला हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर।